वेलकम टू हाईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनालॉग सर्किट की यूनिट 3, जिसका नाम है ऑसिलेटर। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो यूनिट 3 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर होता क्या है? तो ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है कि अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस एसी वेव फॉर्म विदाउट यूजिंग एसी इनपुट। मतलब ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस समझ लो, एक ऐसा सर्किट समझ लो जिससे आप एसी वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हो, आउटपुट में ले सकते हो और आपको एसी इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑसिलेटर अच्छा चीज़ है क्योंकि हमें एसी इनपुट देना ही नहीं है, हमें एसी वेव फॉर्म यहाँ पर मिल रहा है। सो इसमें सेकेंड पॉइंट आता है कि इफ एन ऑसिलेटर जनरेट्स साइनोसॉइडल आउटपुट देन इट इज कॉल्ड एज साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑसिलेटर है जो कि साइनोसॉइडल आउटपुट जो है आपका जनरेट कर रहा है, उस केस में उसको साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कहते हैं। और अगर वो नॉट साइनोसॉइडल, मतलब साइनोसॉइडल के अलावा कोई और आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो उसको उसके नाम के बेसिस पे उसको नाम मिलता है। जैसे कि जो वो काम कर रहा होगा, जैसे कि स्क्वायर वेव जनरेटर, ट्राइंगुलर वेव, तो इनको हम वेव फॉर्म जनरेटर या फिर नॉन साइनोसॉइडल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन साइनोसॉइडल मतलब जो नॉन साइनोसॉइडल आउटपुट दे, साइनोसॉइडल मतलब जो साइनोसॉइडल आउटपुट दे। और ऑसिलेटर क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसको हम इनपुट एसी ना दें लेकिन हमें आउटपुट में एसी वेवफॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर की डेफिनेशन ये। अब ऑसिलेटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑडियो और लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो कम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, और एक होता है रेडियो और हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर हमारा आ जाता है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डिजाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तीन तरीके यहाँ पर होते हैं यूजिंग फेट। तो हम फेट का यूज करके अपने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डिजाइन कर सकते हैं। हम उसको एम्पलीफायर के थ्रू कर सकते हैं और बीजेटी के थ्रू कर सकते हैं। और सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर या फिर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इन दोनों में से कोई एक ऑसिलेटर पेपर में आता ही आता है। ठीक है, सेकेंड साइड पे जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है वो इनके कंपैरिजन में थोड़े से ईजी होते हैं डिजाइन करना, जिनमें आता है एलसी ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके अंदर आता है हार्टलेस ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर एंड क्लैप ऑसिलेटर। तो देखते हैं कैसे कैसे इन सब की वर्किंग है। सबसे पहला हमारा आता है आरसी फेज शिफ्ट ओपैम्प ऑसिलेटर। तो ये मेरा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। अब ऐसे तो मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर हम ओपैम्प को देखने वाले हैं कि ओपैम्प के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू ही ज़्यादातर पेपर में आता भी है अगर डायरेक्टली मेंशन हो। वैसे डायरेक्टली मेंशन होता नहीं है कि पेपर में कि आप फेट के थ्रू बनाओ, बीजेटी के थ्रू बनाओ, तो उस केस में आप ओपैम्प पर ही बनाना। वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और वो थोड़ा सा लेंदी भी है, तो अगर 10 नंबर में या 7 नंबर में आता है तो वहाँ पर आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम लोग ओपैम्प के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें यहाँ पर मेरा एक ओपैम्प लगा हुआ है जिसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस है R1। ठीक, और इसके फीडबैक के थ्रू एक हमने एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है R2, जो कि इस तरह से कनेक्ट है मेरा। इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक मेरा यहाँ पर नेटवर्क के फॉर्म में बना हुआ है, जिसके अंदर मेरा तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उनके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ। यहाँ बेसिकली फीडबैक वोल्टेज है प्लस माइनस Vf से, और V नॉट मेरा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये है मेरा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम। अब हम लोग इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या इक्वेशंस कैसे कैसे बनेंगी। ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो नीचे का सर्किट था इसको हमने इंडिविजुअल यहाँ पर ले लिया, बेसिकली इसको यहाँ पर पलट दिया है। ये सी वाला यहाँ आ गया, ये सी वाला यहाँ आ गया। अब ये वी नॉट है तो ये पूरी लाइन में वी नॉट होगा, तो यहाँ पर हमें वी ऑफ नॉट मिल गया है, वो भी प्लस माइनस के साथ। इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है और यहाँ पर तो प्लस माइनस Vf है फीडबैक में। तो ये है मेरा नेटवर्क। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर KVL लगाना है। तो हमने तीन मेश ले लिए, ये मेरा पहला मेश हो गया, ये दूसरा मेश हो गया और ये तीसरा मेश हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले मेश में अपना KVL लगाया। तो अब KVL तो हमें लगाना आ ही गया होगा क्योंकि हम लोग यूनिट 1 से पढ़ रहे हैं KVL कैसे लगाना है। तो लगाते हैं, हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली है, I1 ऐसे, I2 ऐसे, I3 ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हो, लेकिन उस केस में आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो अब KVL लगाते हैं पहले मेश में, तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो माइनस से प्लस, तो माइनस वी नॉट, प्लस
I1 क्योंकि यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, XC क्योंकि कैपेसिटेंस में जैसे रेजिस्टेंस में R होता है, कैपेसिटेंस में XC होता है उसका रिएक्टेंस। ठीक, तो XC याद रखना, यहाँ पर आप C नहीं लिख सकते, आपको X ऑफ C लिखना पड़ेगा, ये इसका रिएक्टेंस है। फिर आता है प्लस। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो R है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इस मेश में भी कॉमन है और इस मेश में भी कॉमन है, तो इसमें I1 करंट भी जा रहा है और I2 करंट भी जा रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने I1 माइनस I2 लिखा है। अभी I1 माइनस I2 क्या है, जैसे I1 इस डायरेक्शन में है ना, और I2 क्या है, इसके लिए I2 ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे ये ऊपर, मतलब I1 I2 का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर I1 माइनस I2 लिखा गया है। ठीक, तो ये हमने KVL लगा दिया, R हमारा रेजिस्टेंस था, इज इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व किया, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल दी, बेसिकली V0 की वैल्यू। ठीक है, एक साइड में हमने क्या रखा, याद रखना एग्जाम में भी, एक साइड पे आपको I1, I2 या I3 जो भी वेरिएबल्स, यहाँ जो भी करंट लोगे वो रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपकी जो भी वैल्यूज हैं, जैसे V0 है या फिर जीरो भी है, तो वो चीज आपको राइट साइड में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं KVL सेकेंड मेश में, तो सेकेंड मेश में लगा लेते हैं। अब हम लोग इस वाले मेश में हैं, तो इस वाले मेश में देखो, अब जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर हम लोग I2 माइनस I1 ले सकते थे, तो याद रखना जिस मेश में होंगे उसका करंट पहले लेना, जैसे हम यहाँ पर पहले मेश में थे, तो अगर पहले मेश में KVL लगा रहे हो तो उस केस में I1 पहले आएगा, I2 बाद में आएगा, और अगर दूसरे मेश में KVL लगा रहे हो तो उस केस में I2 पहले आएगा, I1 बाद में आएगा। ठीक है, और साइन तो दोनों का ऑपोजिट है। फिर यहाँ पर I2 XC हो जाएगा। अब फिर वही चीज, यहाँ पर R है जो मेश 2 और मेश 3 में भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, लेकिन सिंस हम KVL मेश 2 में लगा रहे हैं इसीलिए I2 पहले आएगा, I3 बाद में आएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि I1, I2, I3 जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म या V0 होगा तो वो राइट हैंड साइड पे रहेगा, तो यहाँ पर है नहीं इसलिए हमने यहाँ 0 रख दिया। ठीक है, फिर तीसरे मेश पे लगाएंगे। अब हम क्योंकि तीसरे मेश पे हैं तो इसका करंट पहले आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I3 माइनस I2 R, तो यहाँ पर है I3 XC और यहाँ पर ये भी है, और फिर प्लस I3 R, तो जैसे हम नॉर्मल KVL लगाते हैं वो हमने लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर भी हमने I1 I2 I3 का टर्म यहाँ पर रख दिया, अब यहाँ पर I1 का टर्म है नहीं तो I2 और I3 का टर्म रख दिया। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, बेसिकली मैट्रिक्स के थ्रू अपनी इक्वेशंस को बेसिकली दिखाना, अगर आप लोग ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यही इक्वेशंस दोबारा मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं जाना है, हम 1, 2, 3 जो इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे, जैसे V = IR होता है तो आपको एक साइड पे V रखना है, एक साइड पे I और R की वैल्यूज रखनी है, जैसे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने एक साइड क्या रखा, राइट हैंड साइड की चीजें, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में V0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है ना, तो वो हमने यहाँ रख दिया V0 0 0। अब हम लोग यहाँ हैं, तो जैसे मैंने बताया था जो भी वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे, तो I1 I2 और I3, तो वो चीज हमने ऐसे लिख दी I1 I2 I3। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो, पहली इक्वेशन में देखो I1 की वैल्यू क्या है, R प्लस XC, I2 की वैल्यू क्या है, माइनस R, भूलना नहीं प्लस R नहीं है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस R, और I3 नहीं है इसलिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इक्वेशन 2 में गए, I1 की वैल्यू देखी, माइनस R लिख दी, I2 की वैल्यू देखी, 2R प्लस XC लिख दी, I3 की वैल्यू देखी, माइनस R लिख दी। थर्ड इक्वेशन में गए, I1 की वैल्यू है 0, 0 लिख दी, I2 की वैल्यू है माइनस R, माइनस R लिख दी, I3 की वैल्यू 2R प्लस XC, 2R प्लस XC लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट रूल हमें याद रखना है, क्रैमर्स रूल, जो आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा। बेसिकली क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर करंट, जैसे हमें अगर यहाँ पर I3 की जरूरत है, तो I3 को निकालने के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मैं बताऊंगी क्या, डेल ऑफ 3 अपॉन जो टोटल डिटर्मिनेंट आएगा हमारी मैट्रिक्स का वो। अब इसको निकालना कैसे है, देखो सिंपल भाषा में समझो, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये मैट्रिक्स ली, यहाँ पर लिख दी। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग R1 के, मतलब इस रो के अक्रॉस अपना डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस रो के अक्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हम ये वाली टर्म लेंगे, पहली टर्म ली हमने अपनी रो से ले ली। उसके बाद
इस रो को बेसिकली इस रो का राइट पोर्शन, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन आप लोग छुपा दो। तो इतना पोर्शन हमने हटा दिया यहाँ से और ये पोर्शन यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो बचा क्या, मतलब ये चीज आपको लिखनी है, आर प्लस एक्स ही लिखी, लिख दिया, फिर ये और ये पोर्शन हटा दिया। अब इतनी मैट्रिक्स देखो, इतनी मैट्रिक्स में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, माइनस साइन बीच में आता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस साइन आता है, लेकिन क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और एक माइनस साइन हमारा पहले से ही है, इसीलिए माइनस आया आर स्क्वायर। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना, ऐसा मत करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले यही मल्टीप्लाई होता है इससे, ठीक है। तो ये मेरी पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म क्या होगी, वही चीज, यहाँ पर आर है तो ये आर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी रो और ये गायब करेंगे तो ये वाला और ये वाला बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ तो जीरो है तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही आना है। तो ये तरीका होता है मेरा डिटर्मिनेंट निकालने का, ठीक है। अब तो इजी हो गया, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2r का होल स्क्वायर आएगा तो 4r स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस इसको सॉल्व कर लिया। फिर अब इसको हमने पूरा सॉल्व जब करा तो हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अब हमें थर्ड डिटर्मिनेंट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाओ, इसमें जो ये थर्ड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको आपको रिप्लेस करना है, इसको आपको हटाना है इससे। जैसे अगर आपको डेल टू निकालना होता तो उस केस में आप इस पोर्शन को इससे रिप्लेस कर देते, इस वाले से, ठीक है। डेल वन निकालना होता तो इतने पोर्शन को किससे रिप्लेस कर देते, इससे रिप्लेस कर देते, लेकिन हमें क्योंकि डेल थ्री निकालना है इसीलिए हमने इस पोर्शन को इससे रिप्लेस कर दिया। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बन गई, ऐसे बन गई, पूरी मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ ये पोर्शन चेंज है। फिर इसका डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया। अब आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, देखो जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो ही आने वाला है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो भी जीरो आएगा, सिर्फ वी नॉट के केस में आंसर आएगा, जब इसको यहाँ से यहाँ हाइट करोगे तो ये आर 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 स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो वी नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, आंसर सब केसेस में जीरो आएगा, सिर्फ इस केस में आंसर हमें वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया। अब आई थ्री निकालना है तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, वी नॉट आर स्क्वायर और ये वैल्यू हमने डिवाइड कर दी, ठीक। अब एक चीज और, ऑसिलेटर की जब भी बात होती है तो हमें एक फैक्टर निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं बीटा, ठीक। अब वो बीटा क्या है मैं बताऊंगी। बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वी एफ, मतलब फीडबैक का जो वोल्टेज है वो, डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ऑसिलेटर में आपको ये वैल्यू निकालनी जरूरी है बीटा की, जो क्या है वी ऑफ एफ, मतलब फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना फीडबैक वोल्टेज निकाल सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फीडबैक वोल्टेज निकाला, आई थ्री मतलब हमने जो करंट लिया था वो, और आर, तो आई थ्री आर से हमने अपना वी एफ निकाल लिया, तो ये हमारा वी एफ मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वी एफ बाई वी नॉट, तो ये वी नॉट हम नीचे ले गए, जिस जो किसके इक्वल होता है बीटा के इक्वल, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या किया, जैसे यहाँ पर आर थ्री था, यहाँ से हमने इस इक्वेशन से हमने आर थ्री कॉमन ले लिया, तो बाहर जब आर थ्री गया तो आर थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ एक्स सी क्यूब अपॉन आर क्यूब आ गया, यहाँ पर फाइव आर एक्स सी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आया होगा, है ना, इस आर से ये आर कैंसिल तो यहाँ आर स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है। तो हमने आर क्यूब कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। अब एक चीज और, जहां पर भी एक्स सी लिखा होगा वहां पर आप लोग वन अपॉन जे ओमेगा सी लिखना, ये फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स सी का, तो ये चीज आपको लिखनी है वन अपॉन जे ओमेगा सी। तो हमने यहाँ पर रखा और इसको सॉल्व कर लिया। अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि 1 अपॉन जे ओमेगा सी जो होता है वो हम लोग प्रेफर करते हैं कि उसको डिनोमिनेटर में नहीं, उसको न्यूमरेटर में रखें। तो जब भी आप लोग ऐसा रखना 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो ऊपर नीचे हम लोग जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जे है और ये जो जे है ये बनाता है जे ऑफ स्क्वायर, तो जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन और ये जे हो जाता है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस ऑफ जे। तो वही चीज यहाँ पर सॉल्व करके लिखी गई है जैसे भी करनी थी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है मेरे सॉल्व करने का। तो याद रखना कि वन अपॉन जे ओमेगा सी हम लोग कन्वेंशनली डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में रखते हैं। न्यूमरेटर में करने के लिए हम लोग करते क्या है,
ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस j आ गया, यहाँ पर स्क्वायर था तो सीधे माइनस आ गया, और यहाँ पर क्यूब था तो इसीलिए 1j बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ये जो इक्वेशन है इसमें 1 अपॉन ओमेगा सी आर को हम अल्फा से, एक रिप्रेजेंटेशन है अल्फा से, हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस 5, इतना जो पोर्शन था यहाँ पर 1 तो हो गई ना मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर, तो ये अल्फा स्क्वायर बन गया, प्लस जे की टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, एक और चीज, ऑसिलेटर में जैसे मैंने बताया कि बीटा निकालना बहुत जरूरी है Vf बाय V0, और दूसरी चीज है लूप गेन जिसका फॉर्मूला होता है बीटा मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बीटा में A को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसमें अगला स्टेप जो आता है वो आता है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट, बेसिकली वहां पर आपको क्या निकालना है, वहां पर आपको लूप गेन निकालना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग जो लूप गेन की वैल्यू है, बेसिकली जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू होती है, उसको हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अल्फा क्या है, 1 अपॉन ओमेगा आर सी, लेकिन सिंस हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी इज इक्वल टू रूट एक्स, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने रख दी। अब ओमेगा नॉट आप लोगों को पता है क्या होता है, 2 पाई एफ नॉट, तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख के एफ नॉट की वैल्यू निकाल दी। तो यहां तक आपको अगर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आया तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक और चीज कि सस्टेन्ड आउटपुट कब मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए जो अपनी जो जिसकी जो वैल्यू है वो वहां पर एट द प्रेजेंट टाइम स्थिर रहे। तो उस केस में आपको सस्टेन्ड आउटपुट के लिए जो आपका लूप गेन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो अब ऐसे तो ये इक्वल टू 1 नहीं होती है, ये आइडियल केस होता है, प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप गेन निकालेंगे। लूप गेन कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा था ए अपॉन दिस टर्म ये हमने यहाँ रखा, अल्फा की वैल्यू हमें मिली हुई है रूट 6 हमने रख दी, ये हमें लूप गेन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इक्वेशन के हिसाब से हमें सस्टेन्ड आउटपुट कब मिलेगा, जब लूप गेन जो है वो बेसिकली उसका मॉड, मॉड का मतलब क्या है, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इसका मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू रखी, यहाँ से हमें पता चला कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 29 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सस्टेन्ड आउटपुट के लिए जो आपका वो जो भी आपका ओपैम्प एम्पलीफायर है उसमें मिनिमम वोल्टेज गेन आपका 29 होना चाहिए, मतलब वोल्टेज गेन कम से कम 29 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है, क्या होती है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशन। तो इसका स्टार्ट जो होता है इसका, इसको जो ऑसिलेशन करने के लिए शुरुआत जो करनी पड़ती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और यहाँ जो आपको आउटपुट मिलता है वो स्मॉल आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा था आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स तो हैं, इम्पॉर्टेंट है बीटा निकालना, लूप गेन निकालना, इस अल्फा की वैल्यू को निकाल के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन आउटपुट की कंडीशन क्या है, और लूप गेन के बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करके आपको यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज गेन कितना मिला है। ठीक है, तो ये था मेरा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब आता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर आरसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी हमने एक ओपैम सर्किट ले रखा है, यहाँ पर R1 है, अब आप लोग कोई भी नाम ले सकते हो, यहाँ पर हमारा एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर दो नेटवर्क लगा रखे हैं, दो फीडबैक पाथ लगा रखे हैं, एक है मेरा आर और सी जो कि सीरीज में है, और एक है मेरा आर सी नेटवर्क जो कि पैरेलल में है। ठीक, तो Z1 Z2 forms voltage divider network। अब मैंने voltage divider network आप लोगों को बता रखा है unit 1 में। ठीक है, फिर voltage across Z2 is feedback voltage Vf। तो ये जो Z2 है, ये जो Z2 है, इस पे जो भी voltage है, ये feedback voltage है, जो कि non-inverting terminal। अब देखो, इस पे जो भी voltage होगा, ये voltage जाकर non-inverting terminal पे तो जा रहा है ना। जैसे अब एक चीज और, ये op-amp है, माइनस वाला इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, प्लस वाला इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो ये जो Vf है यहाँ पर, जो फीडबैक वोल्टेज होगा, वो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी लिखी है, मेन हम लोग इसके एनालिसिस पे आते हैं जो कि है ये। यहाँ पर हम लोग बेसिकली Z1 निकाल रहे हैं, इम्पीडेंस निकाल रहे हैं इसका और Z2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, अब जैसे ये दोनों सीरीज में है तो मैंने बताया कि जहां पर भी C होगा वहां पर हमें क्या रखना है, वन अपॉन सॉरी वहां पर हमें XC रखना है और XC को भी हमें क्या रखना है, वन अपॉन जे ओमेगा सी। तो वो चीज हमने यहाँ डायरेक्टली रख दी। तो सीरीज में तो आसान है, दोनों को हमें ऐड कर देना है। पैरेलल में क्या करना है, मैंने बताया था पैरेलल में दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का समेशन ले लेना है। तो वो चीज हमने यहाँ पर करके इसको सॉल्व कर लिया, ये हमें अपना Z2 मिल गया। अब हमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत बार आता है और बहुत बार यूज भी होता है, तो देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। जैसे हमें अगर वोल्टेज निकालना है V of F, तो वो क्या हो जाएगा, V नॉट Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। जैसे ये मेरा फीडबैक वोल्टेज था, ठीक है, और ये V नॉट वोल्टेज है। तो अगर हमें V F वोल्टेज निकालना है जो इस वाले टर्मिनल पे है, ये जो है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब जो हमें अब ये V F वोल्टेज किसके किसके अकॉर्डिंग है, मतलब किसके पास है ये V F वोल्टेज, मेरे Z2 नेटवर्क के पास। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, जिस पे आपको वोल्टेज चाहिए है ना, उस रेजिस्टेंस को आप लेते हो। लेकिन करंट डिवाइडर रूल में इसका उल्टा हो जाता है, जिस पे भी आपको वोल्टेज चाहिए उस केस में आपको उसका ऑपोजिट का रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देती हूँ। कुछ नहीं करना है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, आपको जो भी वोल्टेज चाहिए वो लिखो, ठीक है, जो टोटल वोल्टेज है वो लिखो, जिसपे निकालना है वो लिखो और दोनों का समेशन लिख दो। तो वो चीज हमने नीचे यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो जिस हमें Z2 में निकालना था तो हमें यहाँ पर Z2 लिख दिया और दोनों का समेशन कर दिया, ठीक। फिर वही बात मैंने बताया कि हर एक उसमें हमें बीटा निकालना जरूरी है। तो हमने Vf by V0 करके हमने बीटा निकाल लिया जो Z2 upon Z1 plus Z2 लिखा। अब हमें उसे वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। Z2 की वैल्यू रख दी, Z1 plus Z2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर LCM लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने बताया कि 1 अपॉन जे ओमेगा सी हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि वो न्यूमिनेटर में हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जे का मल्टीप्लाई जे का डिवाइड, तो ये जे एज इट इज रहा, ये जे और जे क्या बना लिया, जे स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो यहाँ माइनस आ गया, ओमेगा सी एज इट इज रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो ये आर यहाँ पर है, ये आर यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर थ्री बचेगा प्लस जे ओमेगा सी आर माइनस वन अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है। तो ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें बीटा की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है लूप गेन निकालना। लूप गेन कैसे निकालेंगे, बीटा की वैल्यू में हमें अपना वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई कर देना है ए, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हम ऊपर कर रहे थे वही हमें करना है, अपने इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट करना है, रख दिया, एफ नॉट की वैल्यू निकाल ली। फिर अब यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल आर सी एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या था, जो हम लोग ने आर और सी लिया था वो हमने आइडेंटिकल लिया था। सपोज करो अगर आर भी अलग है, दूसरा बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये जो आर है और ये जो आर है ये आइडेंटिकल है ना, ये जो सी है और ये जो सी है वो आइडेंटिकल है। लेकिन हो सकता है कि किसी नेटवर्क में ये और ये अलग हूँ, ये और ये अलग हूँ, तो उस केस में आपको सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लूप गेन रख दिया ए अपॉन प्लस जे इंटू जीरो, तो ए अपॉन थ्री आ गया, यहाँ से हमें लूप गेन की वैल्यू मिल गई ए अपॉन थ्री। इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन रख दिया, तो यहाँ से हमें मॉड ए मतलब वोल्टेज गेन की वैल्यू मिल गई थ्री, मतलब थ्री से ज्यादा आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ रख दी। एक और चीज, वेन विच ऑसिलेटर इज यूज एज वेरिएबल ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में भी काम आता है। तो ये हमारे दो ऑसिलेटर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब आता है मेरा एलसी ऑसिलेटर्स। तो एलसी ऑसिलेटर्स इनके कंपैरिजन में बहुत इजी होते हैं, इनका डायग्राम बहुत आसान होता है और इजीली आप लोग इनको समझ जाओगे। तो इसका जो जनरल डायग्राम होता है एलसी ऑसिलेटर्स का, वो क्या होता है, अब देखो जैसे कि एल और सी ऑसिलेटर है, तो उसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि एलसी है मतलब कहीं पर इंडक्टर लगा होगा और कैपेसिटर लगा होगा। जैसे कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में रेजिस्टर और कैपेसिटर था, वहां पर कहीं इंडक्टर नहीं था, उसी तरह से एलसी ऑसिलेटर्स में इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तो ये है इसका बेसिक डायग्राम, जहां पर कुछ एम्पलीफायर सर्किट लगाएंगे वो मैं बताऊंगी अभी क्या, और नीचे एक ऐसा ही नेटवर्क होगा। तो ये नेटवर्क याद रखना, यहाँ पर कुछ Z of 1 होगा, वो क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ Z2 होगा, ये तो मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे, और इनके कुछ पैरेलल में समझ लो ऐसा कुछ नेटवर्क बनेगा, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नेटवर्क बनेगा। ये तीनों ही बेसिकली सीरीज में लगे हुए हैं, वो कैसे हैं बताऊंगी मैं, तो ये हमारा पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। ऐसे देखोगे तो सीरीज में है, जब हम लोग वैसे अपने डायग्राम में देखेंगे एम्पलीफायर के थ्रू, तो इनका थोड़ा सा कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। तो ये है मेरा नीचे का नेटवर्क और ये होगा बेसिक एम्पलीफायर। ठीक, तो अब ये बेसिक एम्पलीफायर जो है ये कॉमन एमिटर हो सकता है, कॉमन सोर्स हो सकता है, या फिर ओपैम्प हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, उसके बाद बेसिक एम्पलीफायर प्रोवाइड फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो बेसिकली ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन चीज यहाँ पर है कि फीडबैक नेटवर्क हैज थ्री इम्पीडेंस Z1, Z2 एंड Z3 विच आर फॉर्म्ड यूजिंग इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। क्यों? क्योंकि ये LC नेटवर्क है, इसीलिए यहाँ पर जो फीडबैक बन रहा है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये टेबल याद कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नेटवर्क हमने देख लिया कुछ ऐसा बनना है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है, याद कर लेना है। सबसे पहले आता है हार्टलेस ऑसिलेटर, फिर कॉलपिट ऑसिलेटर एंड क्लैप ऑसिलेटर। बस हमें ये याद रखना है कि हार्टले में क्या होता है, Z1 इंडक्टर, Z2 इंडक्टर, Z3 कैपेसिटर। ठीक है, कॉलपिट में Z1 कैपेसिटर, Z2 कैपेसिटर, इसका जस्ट उल्टा, और Z3 इंडक्टर। क्लैप में पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा भी इंडक्टर, लेकिन कैपेसिटर भी वहां पर इंक्लूड है। मतलब सिर्फ हार्टलेस याद रख लो, हार्टलेस को उल्टा करोगे तो कॉलपिट, और कॉलपिट में Z3 में एक कैपेसिटर और लगा दोगे तो वो क्लैप बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है कि LC ऑसिलेटर में, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये बेसिकली मेथड है। अभी हम लोग नीचे देखते हैं कि सारे जितने भी रिएक्टेंसेज हैं उनको इक्वल्स टू जीरो करके F इज इक्वल्स टू F नॉट पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, और सस्टेन आउटपुट की वैल्यू होती है X2 बाय X1 फिट एंड ओपैम्प ऑसिलेटर के लिए, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो मेन ये टेबल याद करना है और ये याद करना है कि ये नेटवर्क है कैसा। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला ऑसिलेटर, ये अभी हम लोग देखेंगे BJT ऑसिलेटर में क्या है। ये है मेरा हार्टलेस ऑसिलेटर। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल BJT का डायग्राम बना रखा है, जहाँ पर एक RC कनेक्ट है, R1 R2 कनेक्ट है, ये CV है। तो ये तो ऊपर का नॉर्मल है, ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, नीचे है मेरा फीडबैक नेटवर्क। तो मैंने बताया था ना कि हमें ऐसा डायग्राम बनाना है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर मेरा Z2 है, और उससे कनेक्ट में क्या है, यहाँ पर कनेक्शन में उससे Z3 है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि हार्टलेस में पहला इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, तो वही चीज़ हमने डायग्राम बना दी है। तो कितनी ईजिली अगर हमने याद कर लिया तो सबका डायग्राम सिमिलर ही है, ऐसे ही बनेगा, बस वहाँ पर Z1, Z2, Z3 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स हैं, CB जो बेस से कनेक्ट है, और CC जो कलेक्टर से कनेक्ट है, प्रिवेंट ग्राउंडिंग ऑफ बेस एंड कलेक्टर। तो अगर ये नहीं होगा यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर ग्राउंडिंग हो जाएगी और जीरो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेंटर टैप्ड इंडक्टर कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ टू सेपरेट इंडक्टेंसेस, देयरफॉर हार्टले ऑसिलेटर इज नोन एज टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर। ये याद रखना, सेंटर टैप ऑसिलेटर आप यूज कर सकते हो दो इंडक्टर की जगह, लेकिन हमने यहाँ पर दो यूज करे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेंटर टैप्ड इंडक्टर यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर बोलते हैं। आता नहीं है पेपर में, लेकिन बाय चांस अगर इस नाम से आ गया तो आप लोग को यही बनाना है। ठीक है, एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी आपको रिएक्टेंसेस दी हैं आपको उनको इक्वल्स टू जीरो लिखना है। मतलब क्या करना है हमें सिर्फ अभी ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ नीचे वाले नेटवर्क से मतलब है, फीडबैक नेटवर्क से मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने X1 लिया, अभी के लिए इसको X1 मानो, ये X2 लिया, ये X3 लिया। ठीक है, इनकी रिएक्टेंसेस, और इनको सॉल्व करना है इज इक्वल्स टू जीरो लेकर, और ये वैल्यू लिख देना कि ये सारी वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि कहीं भी सी दिखे तो वो तो 1/j ωc है, ये बताया था ना मैंने 1/j ωc, लेकिन क्योंकि टाइम ना खर्च हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ऊपर और नीचे जे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने -1/j ωc यहाँ पर रख दिया, -1/ωc, और यहाँ पर जे। अब याद रखना कि आप जो भी X3 यहाँ पर लोगे, रिएक्टेंस लोगे, वहां पर आपको जे को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इधर से समझो, ये है मेरा इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर की जगह आप क्या रखोगे X1 में, ओमेगा नॉट L1 L2 जो भी आप लोग ले रहे हो वेरिएबल वो। ठीक है, दूसरी L2 में क्या लोगे, ओमेगा नॉट L2। कहीं पर भी कैपेसिटेंस दिखे उसमें क्या लोगे, -1/ωc।
ठीक है, तो माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस जरूरी है, ठीक है, माइनस याद रखना। फिर से एक बार इंडक्टर होगा तो क्या लोगे, ओमेगा नॉट एल वन, एल टू, एल थ्री जो भी होगा, एल टू में ओमेगा नॉट एल टू, सी दिख गया, सी में क्या लेंगे माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट सी, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमने क्या किया एल वन एल टू का एक साथ ले लिया और यहाँ पर सी को हमने इधर भेज दिया, हमें बेसिकली ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको सॉल्व करा, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई एफ नॉट रख दो तो ये वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में 2m हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। सस्टेन्ड आउटपुट के केस में क्या होगा, सस्टेन्ड आउटपुट की कंडीशन ये बनती है, चाहो तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ तक था इतने को सॉल्व करना, ठीक। और फिर फेट और ओपैम्प ऑसिलेटर की कंडीशन ये होती है, इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बताया, चाहो तो ये लिख सकते हो, नंबर आपको यहाँ तक ही मिलेंगे, यहाँ तक आप लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस डायग्राम को बनाना जरूरी है और ये सारे स्टेप्स करना जरूरी है, ठीक। फिर आता है कॉलपिट ऑसिलेटर, अब हमने यहाँ पर फेट यूज कर लिया, वहाँ बीजेटी यूज कर रहे थे तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर फेट लगा रखा है, जैसी फेट की चीजें थी वो चेंज हो जाएंगी। चेंज यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ जेड वन और जेड टू में और जेड थ्री में, तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर सी टू आ गया, यहाँ पर एल आ गया, ठीक, वही चीज है, कपलिंग कैपेसिटर्स शॉर्टिंग ऑफ ड्रेन एंड गेट को प्रिवेंट करेंगे। एनालिसिस के लिए मैंने बताया, कहीं पर भी सी देखो क्या लिख दो, माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट, अब यहाँ पर क्योंकि सी वन है तो सी वन, सी टू में सी टू हो जाएगा, एल के केस में ओमेगा नॉट एल हो जाएगा, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी, ठीक। सॉल्व करेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 पाई एफ नॉट रखेंगे तो एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सस्टेन्ड आउटपुट की कंडीशन चाहो तो याद रख लेना कि मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स टू बाई एक्स वन या फिर सी वन बाई सी टू, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। फिर आता है आपका बीजेटी ऑसिलेटर के लिए ये, तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना जरूरी है, तो इसका ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि कॉलपिट ऑसिलेटर का ड्रॉबैक क्या होता है। देखो कॉलपिट का ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बहुत पुअर होती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो इसको अगर हम इस समय हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो उस केस में हम इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एल और सी के, मतलब एक L की जगह हम LC का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू हमें यहाँ पर जो भी हमें इनस्टेबिलिटी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो आप C3 की वैल्यू ले रहे हो ये बहुत छोटी होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, या तो C1 या C2 के कंपैरिजन में, तो ये याद रखना, वही चीज़ यहाँ पर भी ड्रॉबैक में समझाई गई है, ठीक है। तो ये C1 C2 की वैल्यू बताई गई है, इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर बताया कि दोनों के कंपैरिजन में वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, तो इस केस में क्या होगा, एफ नॉट आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपकी सी1 और सी2 की वैल्यू से, और इसीलिए वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्लैप ऑसिलेटर, तो क्लैप का यहाँ पर पहले पूरे मैथमेटिकल स्टेप हैं और फिर इसका डायग्राम है। क्लैप में कुछ नहीं करना है, सी वन सी टू है, बस अपने कॉलपिट में एक सी थ्री और ऐड कर देना है। फिर इसको हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया है जैसे हमने किया था पहले ऊपर, ठीक है, सारी वैल्यूज रख दी, सॉल्व करके हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाली, ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई एफ नॉट रखा, एफ नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं ये उनके कंपैरिजन, वेन ब्रिज और आरसी के कंपैरिजन में इजी होते हैं, आप लोग इनको आसानी से समझ सकते हो, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं प्रिकॉशंस क्राइटेरिया, ये पेपर में बहुत आता है, तो ये जो कंडीशन है मॉड ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू वन, इसको हम लोग प्रिकॉशंस क्राइटेरिया बोलते हैं, याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर तीन डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया कि अगर लूप गेन इक्वल्स टू वन है तो उसको अनडैम्ड या क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन कहते हैं। आ सकता है पेपर में कि डिफाइन द कंडीशन ऑफ क्रिटिकली डैम्ड या अनडैम्ड, तो उस केस में आप बताओगे कि लूप गेन जब इक्वल्स टू वन है तो अनडैम्ड या क्रिटिकली डैम्ड होगा, ग्रेटर देन वन होगा तो ओवर डैम्ड होगा, लेस देन वन होगा तो डैम्ड ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है, मतलब टाइम के साथ वो खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पर है जैसे ग्रेटर देन वन के केस में क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हो ये बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रैक्टिकली एम्पलीट्यूड बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या होता है, आइडली क्या होना चाहिए, आइडली होना चाहिए लूप गेन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद आपका जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है।
फिर आता है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जो हमने भी देखा, उसकी वर्किंग पूछी नहीं जाती है लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें क्या होता है देखो, इफ सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इट कैन एक्ट एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए अगर आप पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हो, जैसे नेगेटिव फीडबैक मैंने बताया था क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक अगर ले रहे हो तो उस केस में आपकी कंडीशन ये बनती है ए अपॉन वन माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद है कि इफ कंपोनेंट यूज इन द ऑसिलेटर सर्किट आर एडजस्टेड, इस तरह से आपने एडजस्ट किया कि आपका लूप गेन इज इक्वल्स टू वन हो जाए तो क्लोज लूप गेन जो हम लोग ओपन निकाल रहे थे वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन जीरो एसी आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिकली वर्किंग है ऑसिलेटर की कि कैसे आपको एसी आउटपुट मिल रहा है जबकि आप एसी इनपुट दे ही नहीं रहे हो। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया है कि उसका लूप गेन इज इक्वल्स टू वन है, जिसकी वजह से क्लोज लूप गेन इनफाइनाइट हो गया है और जिसकी वजह से हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ सकते हो, चाहो तो पढ़ लेना, आती नहीं है पेपर में। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो मॉड ऑफ ए बी है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होती है, इक्वल्स टू वन आइडली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों है, इसके पीछे दो रीजन हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैन इंक्रीज अप टू मैक्सिमम वैल्यू, जो अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक ही बढ़ सकती है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर बीटा या फिर ए बढ़ेगा तो यहाँ पर इसको लेस देन वन नहीं हो सकता ये, तो उस केस में भी ये इसका रीजन है कि हमारी वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा वन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें कि अगर पेपर में ऐसे आ गए तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर अगर फेट ऑसिलेटर के थ्रू बनाने को आ जाए, आता नहीं है, सेफर साइड में रहने के लिए सिर्फ इसका डायग्राम थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये इसका डायग्राम होता है, पूरा चीज वही है। देखो तीन नेटवर्क हैं सी के आ रहे हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर हमने फेट यूज कर लिया है। ठीक है, कॉमन सोर्स का कॉन्फिग्रेशन लिया है, सारी चीजें वही हैं। फिर आता है मेरा आरसी फेज शिफ्ट बीजेटी ऑसिलेटर, तो बीजेटी ऑसिलेटर में भी वही है, देखो ना यहाँ पर यही है, तीन कैपेसिटर्स, तीन रेजिस्टर और यहाँ पर मेरा बीजेटी का ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने यूज किया है। इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मूला, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना कि बीजेटी ऑसिलेटर के बीजेटी के थ्रू आप जब ऑसिलेटर बनाते हो तो उस केस में आपको एफ नॉट ये मिलता है 1/2πRC, वो तो नॉर्मल केस में मिल रहा था, अंडर रूट ऑफ 6/6+4k, जहां पर k की वैल्यू है RC/R। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। सस्टेन्ड आउटपुट की कंडीशन होती है ये, तो उनको याद कर सकते हो, बस ये सॉल्व वॉल्व करने के लिए नहीं आती है। इनको जब सॉल्व करते हैं तो HFE की वैल्यू 44.5 है, चाहो तो देख सकते हो, मैंने बताया ना कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था वही आता है पेपर में। जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में वो बनाए हैं अपने जो भी फॉर्मुलेस हैं, उन फॉर्मुलेस को देख सकते हो, वो वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि आरसी फेज शिफ्ट बीजेटी ऑसिलेटर है, तो मैंने बताया था जो ऊपर डायग्राम है, जो फॉर्मूला है HFE का ये वाला, ये आप लोग याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ रख दिया, के की वैल्यू मिल गई, उसके बाद यहाँ पर हमने सॉल्व करके अपना आंसर ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है। एफ नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी, ये याद रख लेना, 1/2πRC अंडर रूट ऑफ 6+4k, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब हम लोग मेन जो है, अब देखो ये भी आया है क्वेश्चन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के ऊपर, तो ये इसका एफ नॉट मैंने बताया ना, एफ नॉट सबका याद रख लेना कि एफ नॉट सबका क्या है। अब एक क्वेश्चन हमारा EKTU में आया है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें बनाना है। देखो मैंने बताया था ना कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर ऐसे नॉर्मल कैजुअली पूछते हैं, जो हमने ऊपर किया था वो आता है। इसमें क्या करना है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, हमने सीख लिया, और एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसमें हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2πRC, अभी हमने ऊपर निकाला, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/2πR की जगह हमें दे रखा है 200 kΩ, वैल्यू रख दी। C की जगह हमें दे रखा है 200 pF, तो हमने pF रख दिया। अब pF याद रखना, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, pF को नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10^-12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलो ओम तो आप लोगों को पता होगा 10^3 से। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल आया था EKTU में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, ऑल तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, IC में है, जो आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे इंटीग्रेटेड सर्किट में, लेकिन इसका क्योंकि जो सिलेबस है एनालॉग का वो कुछ सिमिलर है मेरे IC से, उसका एडवांस वर्जन है ये, तो ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, ऑल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेफर साइड पर रहने के लिए
कि आप लोग पेपर में इसको अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैं ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर समझा दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लग सकता है, तो उस केस में क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम याद रखना और जो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जो इसमें एक्सप्रेशंस होंगे वो याद रखना। ठीक है, अब ये दो नाम से आ सकता है, या तो ये आएगा स्क्वायर वेव जनरेटर डिजाइन करो, या तो ये आएगा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या फ्री रनिंग ऑसिलेटर। तो किसी से भी नाम से आता है आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर R1 R2 का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, यहाँ पर प्लस के थ्रू फीडबैक करा गया है, वही आपका सर्किट यहाँ पर R के थ्रू जा रहा है, एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, याद रखना ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, मतलब ये आउटपुट में स्क्वायर वेव देता है, इसको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब है सर्किट और स्क्वायर वेव हमने यहाँ बना रखा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ओपैम सर्किट होता है वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। ठीक, उसके बाद है, अब देखो ये है मेरा आउटपुट, ठीक है, ये है मेरा वी नॉट। अब वी नॉट का कुछ पोर्शन R1 के थ्रू कनेक्ट होके कुछ पोर्शन मेरा पॉजिटिव फीडबैक में जा रहा है ना, मेरे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग वी रेफरेंस बोल रहे हैं। तो ये बीटा क्या हो गया, ये बीटा हो गया मेरा, वही वोल्टेज डिवाइडर लगाना है, ये बीटा हो गया हमारा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, उसके बाद है दस द रेफरेंस वोल्टेज इज बी बीटा वी नॉट एंड मे टेक वैल्यूज। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना है, थ्योरी और पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये जो वी रेफरेंस है, यहाँ पर आपको बीटा मिला। ठीक है, और आपका जो ओपैम्प है वो सैचुरेशन में काम कर रहा है ना, सैचुरेशन रीजन में, तो ये जो वी रेफरेंस है ये दो वैल्यूज ले सकता है। कौन सी दो वैल्यूज, एक होती है प्लस वी, ठीक है, प्लस वी सैट, वो भी बीटा के साथ, तो प्लस बीटा वी सैट और माइनस बीटा वी सैट जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको यहाँ पर थ्योरी चाहो तो पढ़ लेना, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कर्वी लाइन आप लोग को दिख रही है, ये मेरी कैपेसिटर का वोल्टेज डिनोट कर रही है। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट डिनोट कर रही है जो स्क्वायर वेव बनी है, तो क्योंकि ये स्क्वायर वेव जनरेटर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर वेव से आउटपुट डिनोट किया गया है। ठीक, अब देखो करना क्या है, सबसे पहले मेन आपकी चीज यहाँ पर शुरू होती है यहाँ से, कि जब आपका आउटपुट प्लस वी सैट पे है तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हुआ, इधर से चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, चार्ज हो रहा भी आपका कैपेसिटर, ठीक है, आर के थ्रू चार्ज होते होते आपका कैपेसिटर पहुंचेगा प्लस बीटा वी सैट पे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा भी है कि कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, वोल्टेज जो आपके इनपुट टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे है वो प्लस बीटा वी सैट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मेरा जो प्लस बीटा वी सैट है वो इससे ज्यादा बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटर पे इससे ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो आपका माइनस वी सैट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पहले मेरा कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, बीटा वी सैट तक चार्ज होता रहेगा। ठीक है, उसका वैल्यू चार्ज हुआ इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर बीटा वी सैट से बढ़ेगी उस केस में स्विचिंग हो जाएगी। ठीक है, स्विचिंग में क्या होगा, स्विचिंग में आपका जो आउटपुट है वो नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस वी सैट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले आउटपुट प्लस वी सैट था इतने पोर्शन तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आके जब आपकी वैल्यू नीचे गिरना शुरू हुई, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, वैल्यू माइनस वी सैट हो गई। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है। सो यहाँ पर लिखा भी है कि वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस बीटा वी सैट यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा माइनस वी सैट के थ्रू, ये जो माइनस वी सैट है वो, और उसके बाद फिर ये काम चलने लगेगा, क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज स्विचेस टू माइनस वी सैट, द कैपेसिटर चार्जेस मोर नेगेटिवली, जब तक वो माइनस वी सैट को ना क्रॉस कर जाए। देखो ऐसे यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ, देखो करना क्या है, आपका सर्किट यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, तो चार्ज हुआ तब तक आपको प्लस वी सैट अपना आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, एक बार आपका कैपेसिटर प्लस बीटा वी सैट के आगे बढ़ा, जैसे ही राइज करेगा वैसे ही आपका स्विचिंग हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और वैल्यू आउटपुट पे माइनस वी सैट मिलेगी। ठीक है, फिर डिस्चार्ज हुआ डिस्चार्ज होते होते अगर ये वैल्यू माइनस बीटा वी सैट से भी नीचे गिरी, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर से स्विचिंग हो जाएगी, मतलब अब माइनस वी सैट से ये आउटपुट प्लस वी सैट हो जाएगा, फिर से आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा प्लस बीटा वी सैट से, फिर वही स्टेप हमारे दोबारा होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है ये प्लस वी सैट माइनस वी सैट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर है ये
कि आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या है, तो वो इस इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन याद कर लेना, V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल E टू द पावर ऑफ माइनस T बाय RC। ठीक है, अब यहाँ पर V फाइनल वैल्यू क्या है, तो वोल्टेज की फाइनल वैल्यू है मेरी प्लस V सेट। इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी मेरी माइनस बीटा V सेट। यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग हुई है तो इनिशियल वैल्यू ये है। इस वाले फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज को रख दिया। अब T इज इक्वल टू T1 पे जाओ, अगर हम इस इंस्टेंट की बात करें इसकी, ये जो टाइम था जिसमें ये माइनस बीटा वी सेट से प्लस बीटा वी सेट तक पहुंचा टी वन टाइम पे, तो उस पे हमारा जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी मेरे कैपेसिटर की बीटा वी सेट। ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, बीटा वी सेट है यहाँ पर, हम इसको कॉमन लेके कट करेंगे, यहाँ पर वी सेट कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। उसके बाद इसको हम लोग एंटी लॉग इसका लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें टी वन मिलेगा आर सी एल एन वन प्लस बीटा माइनस वन बाई माइनस बीटा। ये पूरा इतना ना भी याद कर पाओ तो ये चीज़ याद कर लेना, और ये टी वन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी वन की वैल्यू क्या आती है, आर सी एल एन वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा। तो ये सिर्फ आधे टाइम पीरियड के लिए है, जब मेरा पर्टिकुलर माइनस बीटा वी सेट से प्लस बीटा वी सेट गया है, तो हमें एक और इंटरवल के लिए निकालना पड़ेगा इसके डिस्चार्जिंग टाइम भी, तो उस केस में ये 2t1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप लोग याद कर सकते हो, स्क्वायर वेव जनरेटर पेपर में आ जाता है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन सेफर साइड में रहने के लिए आप लोग ये पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगे तो क्या करना, ये तो याद ही कर लेना, इसका ये सर्किट डायग्राम लिख लेना, ठीक है, अच्छे से उसको समझ लेना और ये स्टेप्स लिख देना। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, बाकी जो मैंने थ्योरी समझाई वो थ्योरी भी आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक, उसी के साथ एक और आता है, जो आता है ट्राइंगुलर वेव फॉर्म। तो ये पेपर में आ भी चुका है, स्क्वायर वेव बतानी है और ट्राइंगुलर बतानी है। ठीक, और ये देखो आया भी है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो मैंने बताया ना कि ऊपर की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ट्राइंगुलर वेव कैसे निकालेंगे, आपने स्क्वायर वेव जनरेटर देखा, ठीक है, तो स्क्वायर वेव जनरेटर में अगर आप लोग इंटीग्रेटर लगा दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो उसमें आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगी, सॉरी ट्राइंगुलर वेव मिल जाएगी। मतलब ये हमारा स्क्वायर वेव का डायग्राम था, ठीक है, यहाँ से हमें स्क्वायर वेव मिल रही है, इसमें आप इंटीग्रेट कर दो इसको तो आपको ट्राइंगुलर वेव मिल जाएगी। तो आप उन्हें अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या फिर उसमें अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये आप लोग को पता होगा कि ये इंटीग्रेटर का सर्किट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें ट्राइंगुलर वेव फॉर्म मिल गया। तो ये आ जाता है दो नंबर में भी कि ट्राइंगुलर वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर को इंटीग्रेट कर दो तो वहां से हमें ट्राइंगुलर वेव मिल जाती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, बेसिकली ये आपका आउटपुट है जहाँ पर आपको ट्राइंगुलर वेव मिल रही है। अब ये नेगेटिव रैंप है क्योंकि ये ऊपर से शुरू हो रही है, ठीक है, ये नीचे जा रही है इसलिए ऊपर से शुरू हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव रैंप हो गई। ठीक, मेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेन कि यहाँ पर आउटपुट ऑफ A1 स्विचेस फ्रॉम प्लस वी सैट टू माइनस वी सैट। हमें यहाँ पर बेसिकली इसको याद रखना है, ये जो इसका है वी ऑफ रैंप एंड वी ऑफ माइनस रैंप। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम टी वन में आपने क्या किया, अपने डायग्राम बनाया, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ नेगेटिव गोइंग रैंप, मतलब ये जो हमारी रैंप है रीचेस टू माइनस वी रैंप, मतलब इस पॉइंट पे ये रीच करी, उस केस में क्या होगा, द आउटपुट ऑफ ए वन स्विचेस फ्रॉम प्लस वी सैट टू माइनस वी सैट। तो अब वैसे जैसे वहां पर क्या था, आपके कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर रैंप पे डिपेंड करेगा। एक बार आपकी रैंप प्लस वी रैंप से माइनस वी रैंप हुई, आपका आउटपुट प्लस वी सैट से माइनस वी सैट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शो भी है, प्लस वी सैट ये है, माइनस वी सैट ये है, तो ये माइनस वी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर t इज इक्वल टू t1 पे बताया भी गया है, पहले आपकी क्या थी, माइनस वी रैम, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है माइनस आर टू बाई आर थ्री प्लस वी रैम। तो बेसिकली यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाला गया है। t2 टाइम में क्या हो जाएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी v ऑफ रैम पॉजिटिव में आर टू बाई आर थ्री वी सेट। तो ये वैल्यू याद कर लेना यहाँ से कि t1 टाइम में हमें v रैम माइनस v रैम की वैल्यू ये मिल रही है और t2 टाइम में हमें V RAM की वैल्यू ये मिल रही है। फिर हम पीक टू पीक एम्पलीट्यूड यहाँ पर निकालते हैं ट्राइंगुलर वेव का, जो दोनों का एडिशन होता है, ठीक है, दोनों का बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब V RAM को हम लोग माइनस V RAM से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें ये वैल्यू मिलती है। फिर जैसे मैंने बताया कि T निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इंटीग्रेटर की वैल्यू रखी, जो इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है वो Vi की जगह हमने यहाँ पर माइनस V सेट रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। तो ये है हमारी t की वैल्यू 4R1C1
R2 upon R3। तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो कि ये इसकी T की वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो लिखा भी है यहाँ पर स्क्वायर वेव। अब हमने क्या देखा कि ट्राइंगुलर वेव कैसे बनाएंगे, स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करके। उसी तरह से अब स्क्वायर वेव कैसे बनाएंगे ट्राइंगुलर से, इसका उल्टा कैसे करके, डिफ्रेंशिएट करके ट्राइंगुलर को। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होता है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, आएगा तो आएगा, ऑसिलेटर ही आएगा, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप कैसे अगर आ जाए तो उस केस में आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ LC टैंक सर्किट, और ये पेपर में आ भी चुका है, तो देखते हैं ये क्या है। बहुत ईजी है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमने L और C का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिकली क्या है, एक यहाँ पर पोलैरिटी शो करी गई है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब यहाँ पर कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये क्लोज स्विच हो गया, क्लोज स्विच से क्या होगा, ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से क्या होगा, चार्ज होगा, लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। तो देखते हैं कैसे कैसे करना है इसमें। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है कि इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं पहला केस। सपोज द कैपेसिटर सीज चार्ज फ्रॉम DC वोल्टेज विद द पोलैरिटीज एंड शोन, जो मैंने बताया कि यहाँ पर आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया है इस पोलैरिटी से, प्लस प्लस एक प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे माइनस है। ठीक है, नाउ द कैपेसिटर सी हैज द वोल्टेज अक्रॉस इस, ठीक है, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को अपने अक्रॉस स्टोर कर लिया है। ठीक है, फिर मैंने केस 2 बताया था कि यहाँ पर स्विच बंद हो गया है, तो अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा इंडक्टर के थ्रू ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा इंडक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इंडक्टर के अक्रॉस, और वो मैग्नेटिक फील्ड वो स्टोर कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या बढ़ेगा, उसके बाद करंट आपका जैसे यहाँ पर जनरेट हुआ है वो करंट आपका इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे धीरे, जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँच पाता। एक बार वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा तो आपका कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेरा कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, उस केस में क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्योंकि कैपेसिटर ने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रखा था, है ना, कि जब वो चार्ज हो रहा था, फिर जब वो डिस्चार्ज हुआ तो कैसे डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर के थ्रू। इंडक्टर एनर्जी को कैसे स्टोर करके रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू। और एक बार कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर ये प्रोसेस चलेगा, कैसे चलेगा, एज द कैपेसिटर सी गेट्स डिस्चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द इंडक्टर स्टार्ट्स टू कोलैप्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि काउंटर ईएमएफ लगेगा, जो लेंस लॉ होता है वो, तो काउंटर ईएमएफ लगेगा इस अपने, इसने जो भी चार्ज को बेसिकली यहाँ पर स्टोर करके रखा है इसको खत्म करने के लिए, तो एक काउंटर ईएमएफ बनेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर आपका दोबारा चार्ज होगा ऑपोजिट पोलैरिटी के थ्रू, जो हमने यहाँ पर देखा भी है, प्लस प्लस था तो माइनस माइनस, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी के थ्रू ये फिर से चार्ज हुआ, और फिर आपका वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, लिखा भी है कि आफ्टर रिचार्जिंग द कैपेसिटर इट बिगिंस टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर L, बट करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो करंट यहाँ जैसे इस तरह से करंट फ्लो करी थी, अब करंट ऐसे फ्लो करेगी, जो भी आपकी चीजें थी वो दोबारा से होने लगेंगी, और अब क्या होगा, आपकी जो भी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर वो कन्वर्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बन रही है। जब आपका कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जा रहा है, उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जा रहा है, उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक, तो ये मेरी वर्किंग होती है LC टैंक सर्किट की, और ये पेपर में आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन याद करना चाहो तो कर लेना कि 1/2π√LC। ठीक है, तो इस पे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, वर्किंग इसकी आने की चांसेस हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, RC ऑसिलेटर और LC ऑसिलेटर में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि RC नेटवर्क यूज करता है, ठीक है, और ये LC नेटवर्क यूज करता है। दूसरा डिफरेंस है कि ये जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 MHz तक यूज करता है, LC क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडक्टर इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 MHz से ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें वेन ब्रिज, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, RC ऑसिलेटर के एग्जांपल हो गए।
एलसी ऑसिलेटर में क्रिस्टल ट्यून कॉलपिट जो आपने ऊपर पढ़ा वो सारे नाम आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन होता है, यहाँ पर कम डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन होता है, यहाँ पर नॉन लिनियरिटी होती है, यहाँ पर नहीं होती है, इसका लो क्वालिटी फैक्टर है, इसका हाई क्वालिटी फैक्टर है। यहाँ पर ट्यून सर्किट एब्सेंट होता है, क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर नहीं है, यहाँ ट्यून सर्किट प्रेजेंट होता है इंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेरा आरसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेटर के बीच में। ठीक, अब एक छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन है, नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर या फिर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, दो नंबर में इसका आ सकता है कि नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर या फिर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या होते हैं। तो याद रखना, नॉन साइनोसॉइडल का दूसरा नाम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। तो ऐसे ऑसिलेटर जो नॉन साइनोसॉइडल आपको वेव फॉर्म दे, साइनोसॉइडल ना दे। सो द ऑसिलेटर विच प्रोड्यूस स्क्वायर वेव, ट्राइंगुलर वेव, पल्स और सॉ टूथ वेव, मतलब कोई भी आपको वेव दे, कोई भी आपको वेव फॉर्म दे, बस वो साइनोसॉइडल ही होनी चाहिए, उस केस में उस ऑसिलेटर को हम लोग नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यूनिट अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।